नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज प्रोजेक्ट में, आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। हम ऐसे 6-6 फंदा गिने तो 5 फंदे साइड में आने चाहिए, 3 फंदे साइड के लिए और 2 फंदे एज स्टिच के लिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह बैलेंस हो जाएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। डिज़ाइन और वीडियो अच्छे लगे तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने सिलाई में 17 फंदे डाले हैं। पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। ये डिज़ाइन का लाइन नहीं है बल्कि ये बेस लाइन है। हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होगा, तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुनते हुए रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है, तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड, तो 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे उल्टे, ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं उन्हें हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के उल्टा बुनेंगे। 1, फिर सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा और उल्टा बुन लिया। 2, सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा और उल्टा बुन लिया। 3, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा नॉर्मली उल्टा बुनना है और 3 फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। और लास्ट में भी 4 फंदे बचेंगे जिन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। तो 4 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदा सीधा। अब उनको अपनी ओर करेंगे और लपेटे हुए 3 फंदों को खोल लेंगे। इन तीनों को बाएं सिलाई में लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा इन तीनों में ही एक साथ लेते हुए सीधा, फिर इन तीनों को एक साथ लेते हुए ही अगला फंदा उल्टा। तो हमने 3 से 3 फंदे बना लिए, पहले उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा। उन दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधा बुन लेंगे। अब उनको अपनी ओर करेंगे और लपेटे हुए 3 फंदों को खोल लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बनाएंगे, फिर इन्हीं तीनों फंदों में उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए ही अगला फंदा उल्टा। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब उनको दूसरी ओर करेंगे, लास्ट में 4 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और 3 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3। और ये 3 फंदे जिसमें हमने पिछली बार में डिज़ाइन बनाया था, तो ये 3 फंदे अब उल्टे हो जाएंगे, नॉर्मली उल्टे। और अगले 3 फंदे जिसे हमने पिछली बार में सिंपली उल्टा बुना था, अब ये 2 बार ऊन लपेट के और तब उल्टे बुने जाएंगे। देखिए, इसमें हमने डिज़ाइन बनाया था तो इसे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, यानी डिज़ाइन 3 फंदे आगे शिफ्ट हो गया। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो 3 फंदे में हम
सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा। ये हमारा चौथा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और लपेटे हुए तीन फंदों को खोल लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर सीधा और फिर उल्टा फंदा बना लेंगे। अब इन्हें गिरा देंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट तीन फंदे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, लपेटे हुए तीन फंदों को खोलेंगे, तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर उन दूसरी ओर सीधा, फिर उन अपनी ओर उल्टा। तो तीन फंदों से हमने तीन फंदे बना लिए। अब इसे गिरा देंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगले तीन फंदे सीधे। तो छह फंदों का डिजाइन है। एक बार तीन फंदों में डिजाइन बन रहा है और अगली लाइन में अगले तीन फंदों में। अब उन दूसरी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों का ये डिजाइन है और इसे ही दोहराते रहने से डिजाइन बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तीन फंदों का ये डिजाइन है। डिजाइन एक ही लाइन का ही है और डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे जेंट्स स्वेटर बनाइए, ये जेंट्स हाफ स्वेटर बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा। आप बच्चों के स्वेटर में बनाइए, चाहे लेडीज प्रोजेक्ट में बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।